नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। सो फार मैं इसलिए अभी दो साइन पाइसिस और एक्वेरियस का नहीं डाल पाई हूँ अगस्त 2021 का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, शेड्यूल है मेरा बहुत ज़्यादा। साइकिक रीडिंग का बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत केसेस आते हैं और उसी में बहुत ड्रेन हो जाती है एनर्जी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज पूरी कोशिश है कि आप लोगों का अगस्त 2021 का डाल दूँ। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो अपने रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी टिप्स को आजमा कर और अपना कर। तो आज का जो ये वीडियो है, ये है एक वास्तु टिप्स ऑन शूज़, हाउ टू कीप द शूज़। जी हाँ, अपने घर में आपके जूते कहाँ रखे जाते हैं, बहुत कुछ आपके जीवन शैली के बारे में, आपके प्लैनेट्स को और आपके घर में जो धन का आगमन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कारण है कि जूते जो हैं वो फेंगशुई में अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जूते करीने से रखो, जूते उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए घर में, क्योंकि इससे शनि बिगड़ता है। और वाकई में शनि का अगर बिगड़ने का कुछ कारण बनता है तो इस तरह की, आपकी अगर शनि नीच का होगा या शनि में कुछ भी कमज़ोर होगा, तो आप देखिए आपकी जूते उतारने की ये हैबिट, जूते चप्पल उतारने की हैबिट यही होगी आपके यहाँ, या जिस व्यक्ति के आपके परिवार में होंगी उसकी भी यही हैबिट होगी कि जूते जो हैं वो फैला के इधर उधर रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि फिर जूते रखे कहाँ, क्योंकि आजकल बड़े बड़े घर तो होते ही हैं कि जैसे पहले बाहर उतारते थे, तो आजकल प्रचलन चल गया है शू रैक का। तो शू रैक में जूते रखने चाहिए, पर किस डायरेक्शन में? सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन। जूते रखने की सही डायरेक्शन है साउथ और साउथ वेस्ट, ठीक है, सॉरी वेस्ट और साउथ वेस्ट। इस दिशा में अगर आप जूते रखते हैं तो ये ठीक रहता है, अच्छा रहता है। कभी भी आपको अपने जूते नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा आपको जूते अगर नहीं रखने चाहिए तो बिल्कुल अपने घर के प्रवेश द्वार पे, एंट्रेंस पे नहीं रखने चाहिए, ना ही अंदर ना ही बाहर, जो कि गलत होता है। और दूसरी बात ये कि शू रैक जो है आपकी, अगर आप शू रैक यूज़ करते हैं तो वो शू रैक जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूते जो हैं वो बाहर जाते हैं, आते हैं, 10 जगह जाते हैं। जूते वैसे भी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी को जितना क्लोज रखा जाए उतना अच्छा है। तो शू रैक को हमेशा क्लोज बंद ही रखना चाहिए, और बंद शू रैक को ही लेना चाहिए अपने जूते रखने के लिए। कुछ लोग बेड पर सोने से पहले रात को अपने सिरहाने पे जूते चप्पल उतार देते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे आपको या तो बहुत गलत तरह के सपने आएंगे, या आप डरने का अनुभव करेंगे, आपको डर लगेगा, या बहुत ही नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चलने लगेंगे, और आपका थॉट जिस तरह का पैटर्न होगा उसी तरह का आप यूनिवर्स में जो एक सिग्नल भेजते हैं वैसी ही चीज़ें लौट के आती हैं। तो ऑन द होल ये आपके धन आगमन, आपकी लाइफस्टाइल या आपके किसी ऐसे सीरियस मैटर को अफेक्ट कर सकता है नेगेटिव थॉट, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो या जिसका आपको उम्मीद हो कि पॉजिटिव हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पॉजिटिव माइंडसेट को और पॉजिटिव बनाने में मदद करती हैं, अगर आप इन छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखें। आपको एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ग्रह सुधरेगा, शनि ग्रह सुधरेगा, आपकी घर में अर्थ एनर्जी बैलेंस में रहेगी, आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। तो सिरहाने पे कभी भी जूते उतार के नहीं रखते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो शूज़ हैं उनको हमने बोला कि नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, उसका कारण है क्योंकि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखने से नेगेटिविटी एनहेंस होगी, और आपको अपनी नेगेटिविटी को घटाना है ना कि बढ़ाना। तो हमेशा जूतों को वेस्ट या साउथ वेस्ट में ही रखें, क्लोज्ड वार्डरोब में रखें, और कभी भी जूतों को स्कैटर करके नहीं रखें। बेड के नीचे, बेड के पास या अपने सरहाने पे सोते समय सिर की तरफ अपनी शूज़ या जूते चप्पल को नहीं रखें।
कोशिश करें कि हमेशा हाथ पांव धो के मुंह धो के ही रात को बेड पर जाएं, और कुछ भी जो भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, ये चैनल सबके लिए है। तो आप भगवान का नाम लेते हुए सोएं ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे सुबह आप खुलते ही, ताकि आपको ऑटोमेटिकली भगवान का नाम याद आ जाए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। होप आपको ये छोटी सी वास्तु टिप बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। छोटी छोटी वो वास्तु टिप्स हैं जिससे आपका घर भी अरेंज रहता है, ब्यूटीफुल भी रहता है, सुंदर भी लगता है, और साथ ही साथ वो आपकी रोज़ की जीवन शैली में बदलाव लाने से आपके माइंडसेट को में परिवर्तन करने में, लाइफ स्टाइल में, लाइफ पैटर्न को चेंज करने में, घर में और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने में बहुत सहायता करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।